हेलो डियर स्टूडेंट्स, अज असीं टॉपिक कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टैलीस्कोप, तो जिस दे विच असीं केस कर रहे हैं जी फाइनल इमेज इज़ एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक नूं करन तो पहलां तुसीं जो मैं प्लेलिस्ट अपलोड कर रहा, एक रे ऑप्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, रे ऑप्टिक्स के जिस सीकुएंस के टॉपिक्स है उस प्लेलिस्ट के उसके अकॉर्डिंग करने हैं। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप करना है, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप करना है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल टैलीस्कोप की नॉर्मली एडजस्टमेंट करनी है, तो फिर इस टॉपिक नूं करना है। ठीक है, तो फॉलो द प्लेलिस्ट जो मैं प्लेलिस्ट अपलोड की है। इस तो पहला असी लास्ट टॉपिक के किया है वैन फाइनल इमेज इज एट इनफिनिटी, जिसनों असी नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस कहने हैं। तो पहला नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस करना है, फिर तुसी इस टॉपिक के उपर आना है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के होंगे कि ऑब्जेक्ट भी इनफिनिटी पर है तो इमेज भी इनफिनिटी पर है, दोनों इनफिनिटी पर है। इस केस के करांगे कि जो इमेज फॉर्म हो रही है उसनों असी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से बनावेंगे, जो कि नॉर्मल आई का एक नीयर पॉइंट है, जिस जगह पर जिस नीयर पॉइंट पर सानू सब तो क्लीयर दिखाई देता है। जिस तरह असी किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो इनफिनिटी पर असी लवेंगे, तो उसकी इमेज हम असी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से फॉर्म करांगे। तो असी एक रे डायग्राम नाल इस नूं शो करने की कोशिश करते हैं। देखो जी, ये कन्वैक्स लेंस है जिसनों कि असी ऑब्जेक्टिव कहने हैं, विच इज़ ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। इनफिनिटी तो रेज़ आ रही हैं तो इसके फोकस से जाके मीट करनी है, तो देखो अस इनफिनिटी तो पैरल रेज़ इस उपर स्ट्राइक करवाने हैं। तो देखो पैरल रेज़ आ रही हैं, इस उपर स्ट्राइक कर रही हैं, तो यह इस फोकस से जाके मीट करनी है। लेट अस सपोज हेयर इट इज़ एफ ओ, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जगह पर फोकस से इसकी इनवर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। इस दे सामने आई पीस है कि जो इसकी दोबारा इमेज फॉर्म करेगा एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो दिस इज आई लेंस, तो ये आई लेंस असं इस तरीके प्लेस करांगे, इसनों डिस्प्लेस करके कि इसकी वर्चुअल इमेज इस साइड पर ही फॉर्म होवे एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द लेंस। इस तो भी असं देखो टू रेज लै रहे हैं, एक रे जोड़ी है इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर चो पास कर रही है, जिसनों असं सी टू लिखते हैं जी, तो दूसरी रे जी इस उपर पैरल स्ट्राइक कर रही है वो इसके फोकस पर पास करेगी दूसरी साइड पर, तो ये दोनों रेज डाइवर्ज कर रही हैं। ठीक है, जो असी इतने आई प्लेस करके अपने नीयर द लेंस देखा तो सानू इस तरह लगता है कि जिमें ये रेज जीडिया है किसी पॉइंट तो आ रही हैं जिथे जाके ये दोनों मीट करेंगी, तो इन दोनों असं एक्सट्रापोलेट करते हैं तो इसकी वर्चुअल तो सेम जिस तरह का ऑब्जेक्ट है ये इनवर्टेड है, तो इनवर्टेड इमेज इसकी फॉर्म होएगी, मतलब एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इसकी इनवर्टेड इमेज फॉर्म होएगी। तो असी इन दोनों रेज़ नूं एक्सट्रापोलेट करते हैं, तो देखो जी इस तरह लगेगा कि रेज़ इस पॉइंट तो आ रही हैं तो इस तरह इनवर्टेड इमेज फॉर्म होएगी। जो ऑब्जेक्ट है असी हमेशा ही ए बी नाल रिप्रजेंट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है जी, एट इनफिनिटी दे है, ये रेज़ आ रही हैं फ्रॉम इनफिनिटी तो मीट कर रही हैं फोकस से। ठीक है, तो इसकी इमेज जो फॉर्म हो रही है फाइनल वो फॉर्म हो रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई लेंस, तो ये डिस्टेंस डी है जिसनों असी कैपिटल डी दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, ए वाली जो इमेज है फस्ट लेंस ने फॉर्म की है इस दे लई ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो इट इज़ यू ई इमे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस। ठीक है, जो ए डिस्टेंस है फ्रॉम सी वन टू एफ ओ, इट इज़ एफ ओ, एफ ओ ना रिप्रजेंट होएगा, ठीक है, दिस इज एफ ई, हुण असी इसकी मैगनीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है कि वट इज़ मैगनीफाइंग पावर। तो पहला मैगनीफाइंग पावर नूं असी डिफाइन करते हैं, तो मैगनीफाइंग पावर नूं असी कैपिटल एम दे नाल रिप्रजेंट करते हैं, तो मैगनीफाइंग पावर होंदी है जी रेशो ऑफ इम एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज, द फाइनल इमेज जो एंगल फॉर्म कर रही है एट द आई इट इज़ बीटा, कि फाइनल इमेज जो है इसनों असं रिप्रजेंट करते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश के नाल। ठीक है, इसनों रिप्रजेंट करते हैं ए डैश बी डैश के नाल, तो जो फाइनल इमेज है वह बीटा एंगल सबटेंड कर रही है। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देखो इनफिनिटी पर पाया, जे असी ऑब्जेक्ट को डायरैक्ट देखते हैं तो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है एट द आई, असी इतने आई प्लेस करके देखा इस जगह पर,
विदाउट टैलीस्कोप, ठीक है, इन्हीं कला ऑब्जेक्टिव पे है। अभी विदाउट टैलीस्कोप जो इतने आई प्लेस करके देखा तो ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस इज एंगल अल्फा। सो ऑब्जेक्ट द एंगल अल्फा है, इमेज द एंगल बीटा है, इसे करके सानू जो इमेज है वो मैग्नीफाइड दिखाई देती है कि विजुअल एंगल चेंज हो रहा है। तो एम इज रेशो ऑफ बीटा एंड अल्फा, तो इट इज़ द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज बीटा एट द आई व्हेन इट ला इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इनफिनिटी एंड सीन डायरेक्टली। ऑब्जेक्ट नु असीं डायरेक्टली देखते हैं तो वो किन्ना एंगल सबटेंड करता है, वो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो एम इज रेशो ऑफ बीटा एंड अल्फा, जिस तरह असीं सारी ऑप्टिक्स दे विच करते आए हैं फॉर समॉल एंगल्स, तो टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो बीटा नु असीं टैन बीटा, अल्फा नु असीं टैन अल्फा लिख लैंदे हां। हुण इन्हां दीआं वैल्यूज़ असीं इत्थों डायग्राम दे विचों फाइंड करांगे। देखो बीटा फाइंड करना है तो बीटा असीं इस लार्ज ट्राइंगल दे विचों भी फाइंड कर सकते हैं तो इस समॉल ट्राइंगल दे विचों भी फाइंड कर सकते हैं। असीं समॉल ट्राइंगल दे विचों फाइंड करते हैं बीटा ते अल्फा दोनों दीआं वैल्यूज़, क्योंकि इन्हां दोनों दे विच आह साइड कॉमन आ जाएगी तो यह कैंसल हो जाएगी, ठीक है। तो टैन बीटा होएगा जी परपेंडिकुलर ओवर बेस ए डैश बी डैश ओवर सी टू बी डैश, तो अल्फा होएगा जी टैन अल्फा होएगा जी ए डैश बी डैश ओवर सी वन बी डैश। तो ए डैश बी डैश दोनों के विचों कैंसल हो जाएगा, बाकी बचेगा इन उपर चला जाएगा जी सी वन बी डैश ओवर सी टू बी डैश सी वन बी डैश। डायग्राम के देखो सी वन बी डैश ए एफ ओ है तो साइन कन्वेंशनस लगा के पुट करना है तो प्लस एफ ओ होएगा, ठीक है। सी टू बी डैश इतों लैके तो इतों तक का डिस्टेंस ए यू ई है तो लाइट की इंसीडेंस के ओपोजिट है तो सी टू बी डैश नैगेटिव होएगा माइनस यू ई, गिव इट नंबर वन। तो मैगनीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस के आ रही थी एफ ओ अपॉन माइनस एफ ई, दोनों लेंस के पैरामीटर जो फोकल लेंथ टर्म्स के आ रही थी, बट इतने की है कि यू ई आ रहा है तो यू ई दोनों लेंस के इन बिटवीन डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में असं कैलकुलेट नहीं कर सकते। असं चाहते हैं कि जो सा एक्सप्रैशन है वो फोकल लेंथ टर्म्स के आए, ठीक है, ताकि असं ईजीली उस कैलकुलेट कर सकी या कुछ यहोजी टर्म्स के आए जो असं कैलकुलेट कर सकते हो। हुण इन दोनों लेंस के इनसाइड जो ट्यूब दे विच है तो वो डिस्टेंस असं किस तरह कैलकुलेट करांगे, तो इस चीज़ को रिमूव करने लिए असं फॉर्मूला लगाने हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो यूजिंग रिलेशन वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ फॉर आई लेंस, तो आई लेंस लई साइन कन्वेंशन लगा के असं ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हुण आई लेंस लई देखो जी जो असं वैल्यूज़ पुट करते हैं इमेज कित्थे फॉर्म हो रही है, फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है डी ते, तो ये डिस्टेंस जो वी है इसका वो माइनस डी होएगा, ठीक है, वी इज इक्वल टू माइनस डी, तो इसनों असं पुट कर दें। तो जो यू है, ठीक है, यू डिस्टेंस ये माइनस यू ही होएगा क्योंकि जो इतों असी लाइट की इंसीडेंस के ओपोजिट मेजर करांगे, लाइट इस डायरेक्शन आ रही है तो होगा माइनस यू ई, तो एफ फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होंगी है जी, इट इज़ एफ ई, ठीक है। तो ये वी ई है, इसनों असं वी ई भी लिख सकते हैं और वी ई, ठीक है, वी जो इमेज का डिस्टेंस है, यू जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो इसनों असं सॉल्व करांगे वन बाय यू लई, ठीक है, इतने वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो डी उस साइड से ले जाओ जी, ये हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। तो वन अपॉन यू ई की वैल्यू असं इतने सबसीट्यूट कर देंगे, तो यह वैल्यू असं की करांगे जी पुट इन इक्वेशन वन, तो एम की वैल्यू बन जाएगी एफ ओ अपॉन नैगेटिव साइन उस तरह ही है तो माइनस एफ ओ हो जाएगा, तो वन अपॉन यू ई की वैल्यू देखो नैगेटिव साइन जो असं उपर लिखता से एफ ओ के नाल, तो वन अपॉन यू ई की वैल्यू असं पुट कर रहे हैं वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, ठीक है, एफ ई कॉमन ले लें जी। तो एफ ई असं क्यों कॉमन ले रहे हैं क्योंकि असं मैगनीफाइंग पावर नूं असं कंपेयर करांगे, ठीक है, तो इतने एफ ई नहीं है तो इतने उपर एफ ई आ जाएगा क्योंकि जो मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ ई नाल एफ ई कैंसल हो जाएगा तो वन प्लस एफ ई अपॉन डी हो जाएगा। बार असं एफ ओ अपॉन एफ ई तां बना रहे हैं ताकि इसकी मैगनीफाइंग पावर नूं असं कंपेयर कर सकीए विद नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस के मैगनीफाइंग पावर आ रही थी एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है, इस वन प्लस समथिंग आ रहा है तो इसका मतलब वन प्लस समथिंग जो मल्टीप्लाई होएगी ये वाली सारी वैल्यू तो मैगनीफाइंग पावर इनक्रीज़ हो रही है, तो इस केस के मैगनीफाइंग पावर ज़्यादा होएगी एज़ कंपेयर टू नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो यह केस साडे लई बैटर है, असीं फाइनल इमेज फॉर्म करा करांगे एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
ठीक है। दूसरी चीज़ जी देखिए, एक नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन तो फिर पिछले केस दे वांगू ही है कि फाइनल इमेज जो है वो इनवर्टेड है, तो नेगेटिव साइन फाइनल इमेज इनवर्टेड नू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम तुसी एक गलती होर ध्यान देना जी, असी एक जिहड़ा टॉपिक कर रहे हैं तो कई बच्चे डायरैक्ट जो मैं लैक्चर्स अपलोड कर रहे हैं उत्थों कर रहे होंगे, ठीक है, वन बाय वन जिस तरह अपलोड कर रहे हैं, बट असी जो ये चैप्टर कर रहे हैं इस चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इस दे विच साढ़े कोले पहला टॉपिक आता जी ह्यूमन आई, फिर माइक्रोस्कोप, फिर टैलीस्कोप। ठीक है, ह्यूमन आई जो है वो इस बार दे सिलेबस दे विच नहीं है, तो ह्यूमन आई डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई नू मैं स्किप कर रहा। उस तो बाद आता जी माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप दे जो लैक्चर्स है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो मैं पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो जो टैलीस्कोप है उस दे विच भी असी दो पार्ट करते हैं, एक पार्ट करते हैं जी एस्ट्रोनोमिकल टैलीस्कोप दी नॉर्मल एडजस्टमेंट, किसनों असी एडजस्ट किस तरह करना है वो पहला मैं अपलोड कर चुके हैं। उस तो बाद तुसी ये टॉपिक करना है जी एस्ट्रोनोमिकल टैलीस्कोप वैन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि टैलीस्कोप बारे जो मेन चीज़ें हैं दी लेंस असी किस तरह यूज़ करते हैं, किहड़ा लेंस लार्जर फोकल लेंस का लेना है, तो असी ऑब्जेक्टिव हमेशा लार्जर फोकल लेंस का लेने हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकल लेंस का होएगा तो मैगनीफाइंग पावर ज़्यादा आएगी, तो जो आई पीस है वो असी समॉल फोकल लेंस का लेने हैं, क्योंकि आई पीस जो समॉल फोकल लेंस का होएगा तो ही मैगनीफाइंग पावर ज़्यादा होएगी। तो ये चीज़ा सारिया असी पिछले लैक्चर के दसियां सी। ठीक है, तो इसलिए पहला नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस करना है तुसी, क्योंकि बेसिक सारे उन्दे विच दसे जा चुके हैं, इन दे विच सिर्फ असी एक रे डायग्राम थोड़ी जी चेंज की है तो मैगनीफाइंग पावर का एक्सप्रैशन ड्राइव किया है। ठीक है, तो इस तो अगे असी करांगे जी रिफलैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप, वो एक छोटा जिहा टॉपिक है, तो कुछ एडवांटेजेस रिफलैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप दी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।